राजस्थान सीईटी 12th लेवल परीक्षा 22, 23 और 24 अक्टूबर को दो शिफ्टों में आयोजित की जा रही है। राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सरकारी नौकरियों के लिए पात्रता परीक्षा में लाखों परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। मंगलवार से सीईटी की परीक्षा शुरू हो रही है, जिसको लेकर परीक्षार्थी अपने एग्जाम सेंटरों पर पहुंचने के लिए रवाना हो रहे हैं। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि राज्य सरकार की बसें भी कम पड़ती नजर आ रही हैं। बाड़मेर जिले के रोडवेज बस स्टैंड पर सुबह 4 बजे से ही परीक्षार्थियों की लंबी कतारें लग गई हैं। रोडवेज बस प्रशासन द्वारा बाड़मेर से जोधपुर तक बसें चलाई गई हैं। बसें लगाई गई हैं, जबकि ज्यादातर परीक्षार्थियों का एग्जाम सेंटर अजमेर होने के कारण परीक्षार्थी विरोध प्रदर्शन करे हैं। उनका कहना है कि सुबह 4 बजे से लंबी कतारें लगाकर बैठे हैं, जबकि प्रशासन द्वारा यहां से 10 बसें परीक्षार्थियों के लिए स्पेशल लगाई गई हैं, लेकिन सुबह से एक भी बसें हमें नजर नहीं आई, जिसके चलते यहां पर परीक्षार्थी धरने पर बैठे हैं। और उनकी मांग है कि ज्यादातर परीक्षार्थियों का सेंटर अजमेर होने के कारण सीधी बसें बाड़मेर से अजमेर लगाई जाए, ताकि सभी परीक्षाओं को जाने में आसानी हो। जानकारी मिलने के बाद प्रत्याधिकारी रमेश कुमार शर्मा, पुलिस प्रशासन व आरएसी की टीम मौके पर पहुंची, जहां परीक्षार्थियों से समझाइश की और बस सेवा को आश्वस्त भी किया गया। जागरूक टाइम्स के लिए बाड़मेर से ठाकराराम मेघवाल की रिपोर्ट।